नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है नॉइज एंड साउंड लेवल इन कंस्ट्रक्शन। नॉइज एंड साउंड एक ही है, नॉइज आवाज, साउंड आवाज। आवाज की लेवल कंस्ट्रक्शन कंपनी में कितना होना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये जो वीडियो मैंने बनाया है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। मैंने कोशिश किया है कि कम मिनट्स में, कम समय में आपको ये समझा दिया जाए। तो ये वीडियो कहीं भी स्किप ना करके फर्स्ट शुरू होने से लास्ट तक देखिए। एक बार वीडियो देखा तो आपको पूरा कंस्ट्रक्शन कंपनी में नॉइज लेवल, साउंड लेवल कितना होना चाहिए उसका, उसमें हम लोग देखेंगे नॉइज लेवल किस में गिनते हैं, उसमें देखेंगे नॉइज लेवल गिनने का मशीन क्या है, कौन से मशीन से नॉइज लेवल, साउंड लेवल गिनते हैं, उसमें देखेंगे नॉइज पॉल्यूशन इफेक्ट क्या है, उसमें देखेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी में कितना नॉइज लेवल होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी में डे और नाइट में नॉइज लेवल अलग अलग होता है। BSW के बुक में नॉइज लेवल कितना दिया है सब लोग हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखिए, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो नॉइज एंड साउंड लेवल इन कंस्ट्रक्शन, आवाज की लेवल कितना होना चाहिए इन कंस्ट्रक्शन में। नॉइज बोले तो भी आवाज, साउंड बोले तो भी आवाज, इतना ध्यान में रखने का। तो चलो इसमें पहले देखेंगे नॉइज काउंट, आवाज किसमें काउंट करते हैं। जैसे कि चीनी किसमें काउंट करते हैं, केजी में काउंट करते हैं। ऑयल किसमें काउंट करते हैं, लीटर में काउंट करते हैं। वैसा ही आवाज, नॉइज किसमें काउंट करते हैं, डीबीए। डीबीए क्या है, डेसिबल। डेसिबल में हम नॉइज काउंट करते हैं। जैसे अर्थिंग किसमें काउंट करते हैं, ओम में। वैसे ही नॉइज हम डेसिबल्स में काउंट करते हैं, उतना याद में रखने का। नॉइज काउंट मशीन क्या होता है, नॉइज काउंट मशीन, नॉइज कौन से मशीन से काउंट करते हैं। जैसे इल्यूमिनेशन किससे गिनते हैं, लक्स मीटर से। वो भी मालूम नहीं होगा तो आगे का वीडियो में बनाने वाला लक्स मीटर पे। वैसे नॉइज काउंट मशीन किससे करते हैं, SLM साउंड लेवल मीटर होता है, उससे हम नॉइज गिनते हैं। और दूसरा है ISLM इंटीग्रेटिंग साउंड लेवल मीटर। ये दोनों मीटर, दोनों में से कौन से भी एक मीटर से हम क्या करते हैं, नॉइज काउंट करते हैं। तो चलो आगे हम लोग इसमें देखेंगे नॉइज पॉल्यूशन इफेक्ट। आवाज से क्या होता है, आवाज ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। पहला है ईयर पेन और डिस्कम्फर्ट। कान को कंटिन्यू आवाज सुनते 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 क्या हो जाएगा, कान दर्द हो जाएगा और डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, अस्वस्थ लगने लगेगा। दूसरा है टोटल लॉस ऑफ हियरिंग। सुनने में कंटिन्यू बड़ा आवाज, बड़ा आवाज, बड़ा आवाज सुनने से क्या हो जाता है, टोटल लॉस ऑफ हियरिंग, सुनने की दिक्कत हो सकती है। आदमी सुन नहीं सकता है, आगे कंटिन्यू सुन सुन के सुन नहीं सकता है, बहरा हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। तीसरा है स्पीच इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है, जब कंटिन्यू आवाज रहता है और काम की जगह पे जब बातचीत करते हैं तो आवाज की वजह से क्या हो जाता है, स्पीच इंटरफेरेंस होता है, कुछ सुनाई नहीं देता, गलत संदेश जाता है, इससे क्या हो जाता है, आदमी इरिटेटेड होता है। आगे चेंजेस इन बिहेवियर सच एज इरिटेबल एंड फ्रस्ट्रेशन। जब आवाज के वजह से आदमी की बातें सुनने नहीं जाता है, कुछ क्या बोल रहा है पता नहीं चलता, तो आदमी ऑटोमेटिक इरिटेटेड होता है, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है। पांचवा है कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स हो जाता है। जैसे कि कंटिन्यू कंटिन्यू आवाज सुनते 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 कान के पर्दे है उसको इफेक्ट होता है, दोनों कान पूरे काम से जाते हैं, कुछ भी आवाज नहीं आता, जिंदगी अपन बिना कान बिना सुनते ही निकल सकती है, किसकी वजह से, नॉइज पॉल्यूशन की वजह से, ध्वनि प्रदूषण की वजह से। तो चलो आगे लोग हम देखते हैं चार्ट निकाल के नॉइज लेवल कंस्ट्रक्शन लाइन में कितना होना चाहिए और कौन से टाइप्स है और BOCW में क्या लिखा है। चलो आगे मैंने इधर चार्ट निकाला है, इसमें हम लोग समझा के लेते हैं। इंडस्ट्रियल जोन, इंडस्ट्रियल कंपनी, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन जहां भी चालू है वहां डेसिबल है, ये है डे में, ये है नाइट में। तो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में 75 डेसिबल है वो डे में लगता है और 70 डेसिबल यह नाइट में चलता है। दूसरा है कमर्शियल, कमर्शियल प्रोजेक्ट होते हैं, अस्पताल का प्रोजेक्ट जैसे अपन ने देखा है, तो इस कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में डे में रहता है 65 डेसिबल और नाइट में रहता है 55 डेसिबल। आगे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, हाई राइज बिल्डिंग देखते हैं, 20 माला, 25 माला, 30 माला, 35 माला की बिल्डिंग रेसिडेंस प्रोजेक्ट करते हैं जहां आदमी रहने के लिए आता है, उस एरिया में डे में 55 डेसिबल नॉइज लगता है और नाइट में चाहिए 45 डेसिबल।
और दूसरा है साइलेंस जोन। साइलेंस जोन जहां भी होता है वहां डे में रहता है 50 डेसिबल और नाइट में रहता है 40 डेसिबल नॉइज। इतना नॉइज लेवल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब काम करते हैं तो इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, साइलेंस जोन कंपनी में डे में लगते हो नॉइज और नाइट में लगता हो नॉइज। तो चलो BOCW बुक में एक्ट नंबर कितना दिया है, शेड्यूल नंबर कितना दिया है और घंटों के हिसाब से कितना डेसिबल होने के बाद कितना घंटा काम करना चाहिए और कितना डेसिबल के आगे काम नहीं करना चाहिए आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप लोगों ने BOCW अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा होगा BOCW एक्ट 1996 एंड सेंट्रल रूल्स 1998। उसमें रूल्स आता है 34 नंबर्स, रूल्स नंबर 34 एंड शेड्यूल्स नंबर 6। इसमें क्या दिया है, रूल्स नंबर 34 में क्या दिया है, एक्सेसिव नॉइज वाइब्रेशन एटसेट्रा। जो BOCW एक्ट 1996 एंड सेंट्रल रूल्स 1998 एक्ट, उसमें रूल्स नंबर 34 में दिया है एक्सेसिव नॉइज एंड वाइब्रेशन, इसके बारे में दिया है। तो नॉइज लेवल देखने गया तो उसमें दिया है शेड्यूल 6 आई थिंक पेज नंबर 122 BOCW बुक में देखने का पेज नंबर 122 शेड्यूल नंबर 6 इसमें दिया है नॉइज लेवल कितना होना चाहिए, इतना नॉइज लेवल होगा तो कितना घंटा काम करना चाहिए और कितना नॉइज लेवल के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। तो चलो आगे चार्ट देखते हैं। तो देखिए मैंने चार्ट बनाया है, चार्ट ठीक से समझे के लीजिए, एक बार चार्ट समझ लिया ना आपको बराबर नॉइज लेवल समझ में आए। मैं ऐसा बताता हूं, इधर दो कॉलम दिए मैंने टाइम इन हॉर्स में, टाइम है घंटों में दिया है मैंने, नीचे जाने के बाद मिनट में भी होता है बताता हूं। दूसरा है साउंड प्रेशर लेवल इन डीबी, डेसिबल में साउंड प्रेशर लेवल दिया है मैंने। चलो समझे के लेता हूं, एक नंबर कॉलम और ये दो नंबर कॉलम है। पहला है 8 घंटा 8 तास, ये है 8 है तो 8 तास, जहां क्या होगा 90 dBA 90 डेसिबल जहां साउंड लेवल होगा तो वहां आदमी 8 घंटा काम कर सकता है, 8 घंटे के ऊपर आदमी वहां काम नहीं कर सकता। दूसरा है 92 डेसिबल जहां नॉइज लेवल है वहां आदमी 6 घंटा काम कर सकता है। वैसे ही नीचे 95 डेसिबल जहां आवाज है वहां आदमी 4 घंटे काम कर सकता है, 97 डेसिबल जहां आवाज है या साउंड लेवल वहां आदमी 3 घंटा काम कर सकता है, 100 डेसिबल जहां नॉइज लेवल है वहां आदमी 2 घंटा काम कर सकता है, 102 डेसिबल जहां साउंड लेवल है वहां आदमी 1.5 घंटा काम कर सकता है, 105 डेसिबल जहां साउंड लेवल वहां आदमी 1 घंटा काम कर सकता है, 107 डेसिबल जहां साउंड लेवल वहां आदमी 1.25 घंटा 45 मिनट्स काम कर सकता है, 110 डेसिबल जहां साउंड लेवल है वहां आदमी 0.5 घंटा काम कर सकता है 30 मिनट्स, और 115 डेसिबल जहां साउंड लेवल है वहां आदमी 15 मिनट्स काम कर सकता है। ध्यान में रखने का 115 डेसिबल जहां साउंड है वहां एक आदमी क्या होता है, वहां एक आदमी 15 मिनट काम कर पाएगा, एक आदमी 15 मिनट काम कर पाएगा, लेकिन उस दिन में वो 15 मिनट काम किया हुआ आदमी ये साउंड लेवल के एरिया में बाद में नहीं आएगा। एक आदमी 15 मिनट एक दिन में काम कर पाएगा, जहां 115 डेसिबल है, समझो यहां मैं जहां पढ़ा रहा हूं उधर 115 डेसिबल साउंड लेवल है, तो मैं यहां 15 मिनट ही पढ़ा सकता हूं, 15 मिनट के बाद दिन भर मैं इस एरिया में आने के नहीं, मेरे जगह भी दूसरा आदमी आएगा लेकिन 15 मिनट से ज्यादा वो इधर रुकेगा नहीं, और 15 मिनट इधर रुकने के बाद दिन भर फिर इस एरिया में आने का नहीं। ऐसा ही सेम डेसिबल है, डेसिबल के हिसाब से देखने का जितना डेसिबल है उतना समय ही आदमी उधर काम कर पाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी 115 डेसिबल में 15 मिनट किया फिर 15 मिनट दूर गया 15 मिनट से आया, नहीं, वो दिन में 15 ही मिनट काम कर पाएगा, दिन भर फिर उधर 115 डेसिबल के पास घूमेगा नहीं। नीचे मैंने नोट दिया, देखो नो एक्सपोजर इन एक्सेस इन 115 डेसिबल इज टू बी परमिटेड, 115 डेसिबल के आगे जहां भी नॉइज लेवल जाएगा वहां काम करने की परमिशन नहीं, वहां काम करने को परमिट नहीं और वहां ना काम करने की परमिशन किसी को देना है। इस चार्ट से मुझे लगता है आप सबको डेसिबल कितना होने के बाद कितना समय काम करना चाहिए और पहले चार्ट से कंस्ट्रक्शन में, साइलेंस जोन में, इंडस्ट्रियल जोन में, कमर्शियल जोन में, रेसिडेंशियल जोन में डे और नाइट में कितना नॉइज लगता है, नॉइज लेवल किससे गिनते हैं, नॉइज लेवल कितना होना चाहिए और नॉइज लेवल से क्या क्या इफेक्ट होते हैं यह समझ में आया होगा।
एक्ट भी बताया है, रूल्स भी बताया है, शेड्यूल भी बताया है। मुझे लगता है वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।